कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार इतनी तेज है कि देश एक बार फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है। भारत में बीते 24 घंटे में रविवार को कोरोना के 93,249 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 513 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी पटना के IIT बिहटा में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 41 मरीजों का सैंपल भी लिया गया है, जिसे सस्पेक्ट के तौर पर रखा गया है। बड़ी बात यह है कि IIT बिहटा में कोई भी छात्र पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी स्टाफ टीचर वहां काम कर रहे हैं उनमें ये भयानक वायरस तेजी से बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा यहां कोरोना सस्पेक्ट मरीज मिल रहे हैं उस जगह को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन क्या इतने बड़े कैंपस को जिला प्रशासन सील करेगी? आपको बता दें कि बिहटा IIT कैंपस महज राजधानी से 30 किलोमीटर दूर है। इसमें काम करने वाले कर्मचारी सभी राजधानी इलाकों से आते हैं, इसके कारण से कोरोना का जो भी खतरा है वो और भी बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।